हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो। और इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से नंबर्स टर्मिनेट होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल एक्सपांशन। और ये जो एक टॉपिक है वो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों से कनेक्टेड है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने डेसिमल एक्सपांशन के बारे में सीखा, डेसिमल एक्सपांशन किया, उनको बी बाई क्यू फॉर्म में भी कन्वर्ट किया। बट 10th में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बिकॉज एक पूरा एक्सरसाइज, एक पूरा टॉपिक बना के इसे दिया हुआ है, कई सारे थियरम्स बना के दिए हुए। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिला दूं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन, वी सी उसका एक्सपेंशन दो तरीके से होता है। या तो आपका जो डेसिमल फॉर्म है या जो आपका रेशनल नंबर फॉर्म है, पी बाई क्यू फॉर्म है, वो डिवाइड होके टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रह जाए, ठीक है। या फिर टर्मिनेट हो जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेट रहता है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब, तो चलो देखो। जैसे मैंने लिखा 2/4, ये होता है 1/2 व्हेन रिड्यूस्ड, और आंसर होता है 0.5। देख रहे हो यहां पर रुक गया ये, ठीक है। चलो चलो और देखते हैं, 3/8, 3/8 कितना, 0.375। रुक गया, रुकना मतलब टर्मिनेट होना, टर्मिनेटर मूवी देखिए ना, रोक देता है सबको, बस वही। नॉन टर्मिनेटिंग, जिन्होंने टर्मिनेटर नहीं देखी उनके लिए, ठीक है। तो जो ना रुके वो, जैसे 2/6 इज 1/3, तो मुझे यहाँ पे डॉट्स लगा के बताना पड़ेगा कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है कभी रुक ही नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब सुनो भाई, टर्मिनेटिंग का एक ही केस, एक ही काम, काम खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो भी दो टाइप का होता है। तो देखो अच्छे से, सपोज करते मैं लिख रहा हूं यहां पर 1/6, ये हो गया 0.16666। देख रहे हो आप, ये 6 यहां पे रिपीट हो रहा है, जैसे ऊपर वाले में 3 रिपीट हो रहा था। कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का एक कैटेगरी। और जो दूसरा होता है ऑब्वियसली वो होगा नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं √2, इसकी वैल्यू 1.4142, और ये आगे चलती जाएगी और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। जैसे √3 है, हम इसे 1.41 तक ही जनरली यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। बट इतना जरूर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट नहीं होता है। √3 होता है 1.732, ये चलते रहेगा आगे, बट कोई भी ब्लॉक इसमें रिपीट नहीं होता। जिनमें ब्लॉक रिपीट होता है आप उनको 0.16 और 6 पे बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। याद आ गई होगी सब चीजें, बट ये सब तो वो चीजें हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी है ऑलरेडी। अब हम 10th में आ चुके हैं, या जो 9th वाले बच्चे देख रहे हैं वो 10th में क्या सीखने वाले वो समझ लो, या जो 10th में है वो 9th में क्या सीख चुके हैं और अब 10th में क्या करना है वो देख लो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो और जो रिकरिंग वाले होते हैं वो, ये नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, और जो अकेला यहां पे नॉन रिकरिंग है ना वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन और ये नॉन इरेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग आता है वो इसके अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग जाता है वो उसके अंदर। तो ये चार्ट हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं कि भाई ये टर्मिनेटिंग क्यों होता है और कब होता है। और इसी वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा, तो वो भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं, अच्छे से देखते रहिएगा। क्वेश्चन ये है कि सर ये टर्मिनेट क्यों होता है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये टर्मिनेट होता है। तो मैं कहता हूं न्यूमरेटर तो भले कुछ भी हो, ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो देखो जैसे कि मैंने लिखा 37, न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर आपका डिनोमिनेटर किसी 2 के पावर में आया या किसी 5 के पावर में आया या दोनों के किसी कंबाइंड पावर में आया, बीइंग एनी पावर, ठीक है, यानी कि 10 के पावर में आया, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, 37/16 ले लिया मैंने जैसे कि, ठीक है। तो ये क्या होता है, 37/2^4, ऑलराइट, 37/2^4 ये प्योरली 2^2 के फॉर्म में है,
मतलब ये टर्मिनेट होगा, मतलब ये टर्मिनेट होगा। और मैं बता देता हूँ आपको 2.3125 ये सॉल्व किए हुए हर क्वेश्चन में ध्यान रखना। इसको सॉल्व जो मैंने कर रहा हूँ उसमें से भी एक प्रॉपर्टी आपको मैं बताने वाला हूँ और बहुत मजा आएगा सीखने में। सपोज करते हैं मैंने लिया 37 और नीचे ले लिया 125, ठीक है, वो 2 का पावर था, ये 5 का पावर लिया मैंने। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हो गया 37/5 का क्यूब। वाओ, 5 का क्यूब है 125। चलो तो आगे देखते हैं आंसर क्या आएगा। 0.296 रुक रहा है, एग्जैक्टली टर्मिनेट हो रहा है, तो देखते जाओ और आगे। और लास्ट 37/2000। सर ये क्या मजाक है, तो देखो 37/16 क्या है, 2 raised to 4। 125 क्या है, 5 raised to 3। इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने 2000 लिया, जो डिनोमिनेटर में आ चुका है, जो डिनोमिनेटर में आ चुका है। तो अच्छे से ध्यान देना इसका आंसर क्या आएगा। खैर अभी तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट आपको इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी भी सिखाऊंगा, तो अच्छे से देखना। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, टेंथ में इसका क्या दिया हुआ है, वो सभी कुछ चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो पे अटेंशन। सो 2000 37/2000 राइट, 0.0185 ये है आपका आंसर। तो ये अभी फिलहाल मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके जो है आंसर्स लिख दिए। अब आप सोच रहे होंगे सर चलो ठीक है आंसर्स वगैरह आ गए, सर क्या प्रॉपर्टी सिखाने वाले थे। प्रॉपर्टी आपको एक सिखाने वाला हूँ जिसका एक 1 मार्क का MCQ या एक 1 मार्क का वर्ड प्रॉब्लम या ऐसा कुछ बना के पूछ सकते हैं ये लोग चैप्टर 1 में से। तो देखो यहाँ पे आफ्टर रिडक्शन या लोवेस्ट फॉर्म में लाने के बाद या स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर नीचे 2 raised to power 4 है, हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। देख लो पूरा रिडक्शन करने के बाद 37 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ये कोप्राइम नंबर बन चुके। सर कोप्राइम, एग्जैक्टली कोप्राइम, ये वही वाला कोप्राइम है जो हम लोग √2 is irrational प्रूफ करते टाइम यूज करते हैं। याद आया, लिंक एस्टैब्लिश करो। 37/125 5 का पावर 3 है, तो देख रहे हो 3 डिजिट के बाद रुक गया। यहां पे भी कोई इनमें और कोई मतलब कॉमन फैक्टर है नहीं, राइट, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो ये 4 डिजिट के बाद रुक गया। दैट मींस हाईएस्ट पावर डिसाइड्स कि आपका टर्मिनेशन जो है कितने डिजिट्स के बाद होगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है विदाउट एक्चुअल डिविजन, आप बताओ कि ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। तो मैं कहता हूं वो कोई बेवकूफी होगा जो इसको पूरा डिवाइड करने बैठेगा, नहीं करना। आप सीधा ये देखो कि ये 2 raised to 4 5 raised to 3 कटिंग पॉसिबल है नहीं ऊपर नीचे, तो हाईएस्ट पावर 4 है, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। 1 मार्क का MCQ 1 मार्क पूरा मिल जाएगा विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर तो आपका एक सम खत्म हो गया, राइट। वैसे तो 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलो अब इसमें ध्यान देना। सपोज करते हैं मैंने लिखा 37/2 raised to 4। सो हमने क्या लिखा है, 37/2 raised to 4। अच्छे से ध्यान दो, यहां पे 2 raised to 4 है। मैंने जब पावर्स लिखे थे तो 2 raised to n 5 raised to m ये दोनों लिखे थे, राइट, बट मेरा मेन फोकस इस पे है क्योंकि जब पावर में, जब डिनोमिनेटर में 10 का कोई पावर आ जाता है तो डिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है। आपको सिर्फ पॉइंट शिफ्ट ही तो करने होते हैं, डिवाइड में पॉइंट्स हम करते हैं लेफ्ट में शिफ्ट व्हेन इट इज डिवीजन, राइट। तो 2 raised to 4 है ना, अब जितने 2 के पावर हैं उतने ही 5 के पावर लगा दो नीचे। सर इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया आपने, तो 5 तो पावर में था ही नहीं, क्या 5 लगा रहे हो। तो देखो अगर 5 पावर में नहीं था ना, तो 5 लगाया है मैंने, तो मैं उसको सेटल भी करूंगा ऊपर लगा के। इन्होंने क्या बोला, विदाउट एक्चुअल डिविजन, एक्चुअली कैलकुलेशन तो और लंबाई जाने वाला है। अब देखो ये हो जाएगा 37/6 25 और ये हो जाएगा 2 into 5 raised to 4, ठीक है भाई, ये हो गया 23125 अपॉन में है 10,000, 4 जीरोस है, पॉइंट यहां से यहां ला दो, 2.3125। ये आंसर वही है जो यहां पे आया था। बट आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ। हाँ मैं खुद मानता हूं बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ, बट क्वेश्चन में यही तो पूछा जाता है विदाउट एक्चुअल डिविजन, डिविजन नहीं करना है आपको, आपको ये स्ट्रेटेजी से काम करना है। आपको ये देखना है कि जितने 2 के पावर्स है उतने 5 के भी होने चाहिए। अगर किसी केस में, इसी केस में सेकंड क्वेश्चन में अगर 5 के पावर्स दिए हुए हैं तो आपको 2 के पावर्स इंटीग्रेट करने हैं। जैसे अगर मैं करके बताता हूं आपको, (2:2)3 (2:2)3, तो ये हो जाएगा 37/8 हो गया 296 और ये हो गया 5 into 2 10 का क्यूब is 1000, 3 डिजिट्स।
तो ये हो गया 0.296 और ये वही आंसर है जो आया था। तो आपको क्या दोनों के पावर सेम करके उसको 10 के पावर में ले जाना है, और जो नया पावर आप इंट्रोड्यूस करोगे वही पावर आप न्यूमरेटर में भी इंट्रोड्यूस करना, तो आपकी वैल्यू में इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो हमने आज ये चीज समझा कि क्या टर्मिनेटिंग होता है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसके बाद हमने देखा कि टर्मिनेशन कब होता है, जब भी ये पावर्स होंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, सपोज करते हैं यहां पे लिखा हुआ है 17/68, ठीक है, रिड्यूस करते हैं, आंसर बचा 1/4, आंसर कितना बचा 1/4। आप देखोगे सर यहां तो 17 और ये 2 का पावर, जब रिड्यूस किया तो सिर्फ वापस 1/4 आ गया। अगर नीचे 17 रह गया होता ना तो डिविजन नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाता, बट क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 बचा है आफ्टर रिडक्शन तो ये टर्मिनेट होगा। आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, आपको मुझे समझाते हुए देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स के साथ। एंड अगर आप चैनल से कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे नए अपडेट्स लेके आ रहा हूँ, नए नए वीडियोज़ बना रहा हूँ आजकल, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, सो दिस इज मी रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए मैथमेटिका के साथ। ओके।